हेलो गाइस, ये है ओप्पो का लेटेस्ट स्मार्टफोन ओप्पो K1। और इस फ़ोन का जो मेन इम्पॉर्टेंट और हाईलाइट फीचर है वो है इस फ़ोन का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। जी हाँ, तो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ ओप्पो K1 की एक क्विक अनबॉक्सिंग, साथ में देने वाला हूँ इनिशियल इंप्रेशन देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि इस फ़ोन में आपको कैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या है इसकी डिस्प्ले, कैसा है इसका डिज़ाइन, कैसा प्रोसेसर आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है, क्या ये फास्ट है, और साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इस फ़ोन का जो कैमरा है, रियर कैमरा या सेल्फी कैमरा, वो कैसा है। सो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो ये है ओप्पो का K1 सीरीज़ का सबसे पहला स्मार्टफोन ओप्पो K1। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएंट है, कलर वेरिएंट जो है एस्ट्रल ब्लू। यहाँ पर आप देखेंगे आपको 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। तो चलिए जल्दी से हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर की साइड में आपको ये बॉक्स मिल जाता है। चलिए अंदर ओपन करके देखते हैं इसके अंदर और क्या है। तो यहाँ पर आपको ये सिम इजेक्टर टूल दिया गया है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको ये ट्रांसपेरेंट केस दिया गया है ओप्पो K1 के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये यूज़र मैनुअल गाइड दिया गया है। तो इन सभी को हम रख लेते हैं साइड में। इसके बाद हम फ़ोन को चेक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर की साइड में फ़ोन देखने को मिल जाता है। यह है ओप्पो K1, तो चमचमाता बिल्कुल न्यू है। तो इसे हम साइड में कर लेते हैं, ये हमने निकाल दिया। तो ये रहा हमारा ओप्पो K1। देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, बैक साइड से तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए जल्दी से पहले इसे बूट कर लेते हैं। तो जैसे आप बूट करते हैं ओप्पो आ जाता है, यहाँ लिखा हुआ पावर बाय एंड्रॉयड। तो इसे साइड में रख लेते हैं, जब तक ये बूट होता है तब तक हम देख लेते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या कंटेंट है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड ये आपको कागज मिल जाता है, चलो भैया इसे भी साइड में रखो। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये अडेप्टर दिया गया है। अगर आप इस अडेप्टर को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको ये जो अडेप्टर है वो एक स्टैंडर्ड अडेप्टर है, जिसका जो आउटपुट है वो है 5V 2A का। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये ईयरफोन देखने को मिल जाता है। अरे वाह यार, पहली बार कोई कंपनी है जो ईयरफोन प्रोवाइड कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये ओप्पो की तरफ से ईयरफोन दिया गया है आपको, जो कि कमाल की बात है यार, वरना कोई आजकल प्रोवाइड ही नहीं करता। तो चलिए इसे भी हम यहाँ पर रख लेते हैं वापस। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये माइक्रो USB केबल दिया गया है, जिससे आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। तो बॉक्स में इतना ही कंटेंट है फ़िलहाल के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 6.41 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले, जो कि आता है 19.5:9 एस्पेक्ट रेशो के साथ। ये आता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की स्क्रीन प्रोटेक्शन के साथ। फ्रंट साइड डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको आगे की साइड में वाटर ड्रॉप नॉच दे रखा है, और यहाँ पर आपको डिस्प्ले में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है। तो यहाँ पर मैंने इसे चेक करने के लिए, मुझे ऐसा लगा कि ये काफ़ी स्लो होगा और ये इतना रिस्पॉन्सिव भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जब मैंने इसे एक्चुअल में ट्राई करा तो यहाँ पर मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव ज़रूर लगा। जैसे ही आप अपने थंब को यहाँ पर टच कर देते हो तो 1 सेकेंड बाद ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पर मैंने इसके अलावा दूसरा चेक करने के लिए दूसरा थंब मैंने यहां पे लगा, मुझे लगा कहीं ये अनलॉक ना करते दूसरे थंब से भी, तो यहां पर ये अनलॉक नहीं हुआ। तो यहां पर आप कह सकते हैं ये काफी सिक्योर और रिस्पॉन्सिव जरूर है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। नेक्स्ट अब बात करते हैं इस फोन के बैक साइड डिजाइन की। तो यहां पर आपको बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट बॉडी दे रखी है, जो कि आता है ग्लास फिनिशिंग के साथ। जी हाँ, यहाँ पर आपको बैक साइड में जो लुक दे रखा है वो एकदम प्रीमियम है। जी हाँ, मुझे यहाँ पे खास बात ये लगी, जब आप इस फ़ोन को ऐसे मूव करोगे तो यहाँ पे जो आपको कलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, या फिर कह लो जो ग्रेडिएंट लुक देखने को मिलता है, वो एकदम आउटस्टैंडिंग है। जी हाँ, इसके अलावा यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या इसे हाथ पे पकड़ने पर प्रीमियम फील होगा। यस ऑफ कोर्स, जब आप इसे हाथ पे पकड़ रहे हो तो डेफिनेटली यार आपको प्रीमियम फील होगा। ये फ़ोन लुक वाइज डिस्प्ले वाइज आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पर अगर मैं कहूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले दे रखा है वो AMOLED डिस्प्ले है। जी हाँ, AMOLED डिस्प्ले है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साथ में यहाँ पर आपको बैक साइड में जो लुक दे रखा है आउटस्टैंडिंग लुक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है अगर देखा जाए प्रीवियस वर्जन से। यहाँ पर साथ में आपको वाटर ड्रॉप नॉच दे रखा है, जो आपको अगर पसंद है तो अच्छी बात है, वैसे आजकल इसी का ट्रेंड चल रहा है।
इसके अलावा यहाँ पर आपको फेस अनलॉक फीचर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल देखूँ डिस्प्ले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी लुक या फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो यहाँ पे ओप्पो के इस नए स्मार्टफोन ओप्पो K1 के लिए एक बिग थम्स अप जरूर देना चाहूँगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस फोन के कैमरे की। तो यहाँ पर आपको बैक साइड में दे रखा है डुअल कैमरा, एक दे रखा है 16 मेगापिक्सल का f1.7 अपर्चर के साथ, और यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दे रखा है। वहीं पे अगर हम बात करें इस फोन के सेल्फी कैमरे की, तो यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में दे रखा है 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा f2. अपर्चर के साथ। तो यहाँ पे मैंने इस फ़ोन के कैमरा क्वालिटी को चेक करने के लिए कुछ सैंपल्स क्लिक किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसे देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फ़ोन किस तरह के इमेजेस को कैप्चर करता है। तो यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा फर्स्ट इंप्रेशन में, मुझे इस फ़ोन का जो सेल्फी कैमरा है वो काफ़ी बढ़िया लगा, स्पेशली इनडोर लाइटिंग में। जी हाँ, यहाँ पर मैंने घर के अंदर कुछ सेल्फीज़ क्लिक करी थी, तो मुझे जो इमेजेस की जो क्वालिटी मिली, जो डिटेलिंग मिली, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी इसके रियर कैमरे के मुकाबले। तो हालांकि यहाँ पे इसका जो रियर कैमरा वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो सेल्फी कैमरा है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, स्पेशली इंडोर लाइटिंग में। इन सभी चीज़ों के बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ़ोन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि प्रोसेसर की। तो यहाँ पर आपको ओप्पो K1 में दे रखा है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि 1.9 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। तो यहाँ पर अगर प्रोसेसर को देखा जाए तो यहाँ पर आपको काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इस फ़ोन में किसी भी तरह के हाई डेफिनेशन गेम्स को खेलते हो, HD सेटिंग्स में भी खेलते हो, तो मेरे ख्याल से आई थिंक यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कमी नहीं आएगी, आपको किसी भी तरह का लैग देखने को नहीं मिलेगा, ना ही किसी भी तरह का आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा। आप हाई डेफिनेशन गेम HD सेटिंग में भी स्मूथली आसानी से खेल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 660 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर दे रखा है। तो यहाँ पर आई थिंक मेरे ख्याल से आपको परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आने वाली, नो डाउट। यहाँ पर फ़ोन में आपको मल्टीटास्किंग के लिए 4GB की रैम दे रखी है और 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। फ़ोन में यहाँ पर आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट दिया गया है, मतलब ये कि अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज कम पड़ जाती है तो यहाँ पर आप अलग से मेमोरी कार्ड डाल के भी फ़ोन के स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। फ़ोन में यहाँ पर आपको 3600 mAh की बैटरी दे रखी है, और ये फ़ोन आता है कलर OS 5.2 के साथ, जो कि एंड्रॉयड 8.1 पे यानी एंड्रॉयड ओरियो पे बेस है। तो दोस्तों ये थे इस फ़ोन के फीचर, जैसा कि अब आपने जान ही लिया है। तो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल देखूँ डिस्प्ले डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी, प्रोसेसर को लेके या फिर कह लो कैमरे को लेके, तो ये मुझे फ़ोन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, हर चीज़ में बढ़िया है। बस यहाँ पे अब बात आती है प्राइस की। तो यहाँ पर अगर ये जो फ़ोन है एक अच्छे प्राइस में मार्केट में लॉन्च हो जाए, तो डेफिनेटली ये मार्केट में कई सारे स्मार्टफोन को टक्कर देने वाला है। तो दोस्तों अब आप बताओ कि आपको ये ओप्पो का न्यू स्मार्टफोन, लेटेस्ट स्मार्टफोन ओप्पो K1 कैसा लगा, जो भी मार्केट में जिस भी प्राइस में ये लॉन्च हुआ उसके हिसाब से क्या ये फ़ोन ट्रूली वैल्यू फॉर मनी है। जो भी आपके ओपिनियन है इस फ़ोन को लेके, मतलब इस फ़ोन में आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा, या फिर आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इस फ़ोन में, कौन सा फीचर आप मिस कर रहे हो जो आप चाहते हो कि यार काश इस फ़ोन में होता, या फिर जो भी आपके ओपिनियन है इस ओप्पो के नए स्मार्टफोन ओप्पो K1 को लेके, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड हाँ, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो इसी बात पर यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।